हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। आप सभी को वोटिंग रिलेटेड खुशखबरी दूं, उसके पहले 256 टू 64 वाला जो राउंड अभी चल रहा है, जिसका सेकेंड पीके अभी होना है, उसमें वोटिंग होनी है, तो उसमें वोटिंग कैसे करनी है इस पर एक बार रोशनी डाल देती हूँ, ताकि जिन्होंने पिछले राउंड में वोटिंग को मिस किया और गिफ्ट्स नहीं लूट पाए तो वो भी कमर कस लें और गिफ्ट्स लूटें और बेहतर सिंगर को सपोर्ट भी करें। तो आइए चलिए पहले देख लेते हैं कैसे करना है वोटिंग। तो सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस वन वर्सेस वन ड्यूअल राउंड में एंड 256 राउंड से कंपैरेटिवली जो है 70-80% जेन्युइन वोटिंग हो रही है ना, क्योंकि मैंने पिछले पीके में वोटिंग करते समय ये सब चीज़ें नोटिस की। इसमें लाइक डिसलाइक जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, इसलिए जो है ये काफ़ी हद तक जेन्युइन है ना, क्योंकि इसमें जेन्युइनली लोग वोट करेंगे, क्योंकि यदि उन्हें एप्रिशिएटर पॉइंट चाहिए तो जेन्युइनली वोट करना भी ज़रूरी है। बट इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है, वो भी चीज़ें जो है मैं रोशनी में ला रही हूँ, तो उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको इस तरह से दो सिंगर के सॉन्ग्स एक साथ दिखाई देंगे, आप देख रहे हो कैसे दो सिंगर के सॉन्ग आपको दिखाई देंगे, है ना। थंबनेल्स भी दिख सकते हैं या फिर लिरिक्स आपको दिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों सिंगर्स के सॉन्ग्स को थोड़ा थोड़ा सा सुन लेना है, थोड़ा थोड़ा सा सुन के जो है अपना विवेक और अपना म्यूजिक सेंस लगा कर आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। और आप उसके नीचे जो है आपको यहाँ जो है सपोर्ट बटन दिखाई देंगे, यहाँ सपोर्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आपको जिसको भी सपोर्ट करना है उसके नीचे वाले सपोर्ट को आपको जस्ट क्लिक करना है ना। आप क्लिक करेंगे तो अब मान लीजिए कि इनको आपने किया, मान लीजिए अभी हम मदन जी का देख रहे हैं, तो आपने मदन जी को सपोर्ट किया है ना। अब मदन जी को सपोर्ट किया, मान लीजिए इनके इसमें 500 लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है और ये जो साइड वाली हैं तो इनको जो है थोड़े कम लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है ना। तो आपने यदि मदन जी को ही सपोर्ट किया है तो आपको एक एप्रिशिएटर पॉइंट जो है मिल जाएंगे और जो है आप नेक्स्ट वाले सॉन्ग पे जा पाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको वोटिंग करना है ना। इस तरह बढ़ते बढ़ते के ये वाले जो भी सारे बॉक्सेस हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये टोटल जो है 300 बॉक्सेस हैं और ये 300 बॉक्सेस जब ओपन हो जाएंगे आप सभी के, तो इसमें आपको ढेर सारे एप्रिशिएटर पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, और फ्री टिकट्स भी मिलेंगे। मैं आपको एक दिखा दे रही हूँ, मेरी एक आईडी में थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बाकी में इतना टाइम नहीं मिलता है तो नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो है आपको ये टिकट्स भी मिलेंगे, आप ये देख रहे हो, ये सुपरनोवा एक्सपोर्ट के नाम से टिकट्स भी मिलेंगे जिन पर अभी 0 स्टार है। और इन टिकट्स का क्या करना है वो आने वाले वीडियोज़ में मैं हो सकता है 1-2 वीडियो के बाद लाऊँ वो। तो एक बहुत काम की बात बताने वाली हूँ कि इन आपको टिकट्स का मतलब आपको करना क्या है, क्योंकि इससे अभी आपको कोई स्टार नहीं मिलेगा। तो इसका जो मेन यूज़ है, जो बहुत सॉलिड है, वो मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली, तो वो वीडियो भी जरूर देखना आप लोग, ठीक है। और इसके साथ में जो है आपको एप्रिशिएटर पॉइंट्स मिलेंगे। तो एप्रिशिएटर पॉइंट्स का आपको क्या करना है, ये एक्सचेंज स्टोर आप दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, आपको यहाँ जाना है और एक्सचेंज स्टोर में आप जाओगे तो ये बहुत सारे आपको दिखेंगे। इसके नीचे आपको ये एप्रिशिएटर पॉइंट्स दिखेंगे कि इतने एप्रिशिएटर पॉइंट्स होंगे तो आपको ये वाला गिफ्ट आप रिडीम कर सकते हो। अभी फिलहाल तो मेरे पास इसमें 308 हैं, तो मैं कोई सा भी गिफ्ट मतलब जो इसके अंदर आए वो रिडीम कर सकती हूँ, इसको तो नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे ये 99 वाला मैं करना चाहती हूँ तो मैं इसको रिडीम कर सकती हूँ 2 बार, ठीक है, 300 में। तो होप आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आप एक्सचेंज कर लेना। अभी मैं फिलहाल एक्सचेंज नहीं कर रही हूँ, ओके। तो ये जो है इस तरीके से जो है आपको बहुत सारे गिफ्ट इसके द्वारा मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी तक जो है वोटिंग नहीं करी है, या सेकेंड वाले इसमें राउंड में है वोटिंग उनकी रह गई, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये वोटिंग बंद हो गई थी, है ना। अब खुशखबरी दूं उसके पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट और करूंगी आपको कि वोट करते समय लैंग्वेज को लेकर या जेंडर को लेकर वोटिंग ना करें। मैंने पिछले राउंड में देखा कि कई बेहतरीन सिंगर्स को लोगों ने इसलिए जस्ट वोट नहीं किया बिकॉज उनके सॉन्ग दूसरी लैंग्वेज के थे। तो हमारे इंडिया में तो हम ये सब चीजें नहीं मानते हैं, और मैं मानती हूं कि एज ए म्यूजिक लवर ये देखना चाहिए कि उनका म्यूजिक सेंस क्या है, है ना। और यहाँ ये भी देखा गया है साथ में कि मेल और फीमेल सिंगर्स के बीच थोड़े ज़्यादा वोट्स जो हैं फीमेल सिंगर्स ले जाती हैं। अक्सर मैंने जो वोटिंग करते टाइम पाया ऐसा हुआ कि दोनों सिंगर्स मतलब अच्छे थे, थोड़े टक्कर के थे, पर फीमेल सिंगर्स को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर्स इन द हार्ट ऑफ मेल वोटर्स। जस्ट किडिंग, ओके। तो बस ये चाहती हूँ कि जेन्युइन वोटिंग करें आप लोग, है ना, सिर्फ गिफ्ट्स ही अपना एम जो है ना रखें, ओके।
और फ्रेंड्स पिछले पीके में जो 14 जुलाई से स्टार्ट था, रात को 8 बजे ही वोटिंग स्टार्ट हुई थी और आई थिंक 9 से सवा 9 के बीच में जो है वोटिंग क्लोज भी हो गई थी, बिकॉज पूरे इंडिया के एसएम यूजर्स गिफ्ट लूटने के लिए टूट पड़े थे एक साथ में। तो सबको बड़ा दुख हुआ, मुझे भी बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक तो डिनर के टाइम वोटिंग ओपन कर दी तो मेरी मेन आईडी का तो खाता भी ना खुला अब तक। तो अब एसएम जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा आपको चांस दे रहा है। आइए दिखा देती हूँ आपको कि कैसे दे रहा है वो आपको चांस। तो हम चलते हैं इसके रूल्स में और देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ नीचे मेंशन है इस चीज़ में कि देखिए इन द फर्स्ट राउंड ईच वन वर्सेस वन ड्यूअल विल बी रेंडमली असाइन टू 800 पब्लिक एप्रिशिएटर्स। मतलब पहले वाले राउंड में जो अभी हमने जस्ट पीके की वोटिंग करी थी रात 8 बजे से, तो उसमें क्या हुआ 800 पब्लिक अप्रिशिएटर्स को दिखाया था, एक जो वन वर्सेस वन ड्यूअल था, मतलब एक एक व्यक्ति का जो पीके का वन वर्सेस वन ड्यूअल था वो 800 जो है लोगों को दिखाया गया था, पब्लिक एप्रिशिएटर्स को दिखाया गया था। और अब जो है खुशखबरी ये है कि भाई जो है अब सेकेंड राउंड में जो है अब समझ गया स्टार मेकर कि मतलब ये तो ऐसा हो गया ऊँट के मुंह में जीरे के समान, है ना, कि 8 बजे शुरू हुई और 9:30 पे तो ख़त्म ही करनी पड़ी उनको वोटिंग, है ना, इतने लोग टूट पड़े। तो अब उन्होंने जो है बहुत भरपूर बढ़ा दिया है, 20,099 लोगों को जो है एक वन वर्सेज वन डुएल जो है दिखाया जाएगा। मतलब अब आपके पास बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आप बहुत सारे गिफ्ट बॉक्स खोल सकते हैं अपनी बहुत सारी आईडीज़ में, है ना। तो फ्रेंड्स इस चांस को बिल्कुल मत खोइएगा और स्टार मेकर को इस बात के लिए जो है धन्यवाद प्रेषित करती हूँ मैं। और फिर भी मैं जानती हूँ कि ये भी चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, इसलिए 8 बजे बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिएगा। ये इंडिया की वोटिंग का टाइम बता रही हूँ मैं आपको कि इंडिया में जो है आपको करना है, है ना। और इसके साथ भी मैं आपको ये बता दूं कि जो है जो इसका नेक्स्ट राउंड है 64-16 वाला, तो उसमें भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उसमें भी जो है ये वोटिंग जो है इसी तरीके से होने वाली है। और उसमें खुशी की ये बात है कि उसमें जो दोनों पीके के ग्रुप रहेंगे, मतलब फर्स्ट ग्रुप भी और सेकंड ग्रुप भी, उन दोनों को जो है 20,099 पीपल को दिखाया जाएगा एक एक ड्यूअल को, है ना। तो उसमें भी जो है उस टाइम भी जो है आपके पास बहुत ब्राइट चांसेस रहेंगे कि आपके जितने भी बॉक्सेज अभी बाकी हैं इसके अंदर, है ना, जैसे अभी मेरी इस आईडी में तो सिर्फ 20 हुए हैं और कुछ एक आईडीज़ में तो खाता ही नहीं खुला है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो सब लोग ज़रूर खोलिए और ढेर सारे गिफ्ट जीतो और उसके साथ में जीतो। जो मेन चीज़ मुझे लगी है गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स जो मिलेंगे हमको वो भी बहुत सारे हैं डेफिनेटली, और उसके साथ में जो एक वेरीफाइड अप्रिशिएटर का परमानेंट बैज मिल रहा है वो भी 2034 तक के लिए, वो ज़रूर सबको लेना है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा और सब लोग जो है एक्टिवली जो है टाइम पर पार्टिसिपेट कीजिएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, कीप वोटिंग विद मी।